आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मुंबई की दिंडशी पुलिस ने 3 आरोपियों को सुपरमार्केट लूटने से पहले गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी ओम सत्यम सुपरमार्केट मोहन गोखले रोड लूटपाट करने आने वाले थे, ऐसी जानकारी मिली थी, जिसको लेकर दिंडोशी पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जीवन खरात के मार्गदर्शन में उन्हें पकड़ने के लिए 2 टीम बनाई गई, जिनमें एपीआई चंद्रकांत घारगे, एपीआई दराडे, पीएसआई योगेश कन्हेरकर, पुलिस हवलदार नवनाथ बुराटे, पुलिस हवलदार अजीत चौहान, सचिन पोटे, दीपक तेली, शिवरांग बांगर ने मिलकर सुबह 3 बजे जब लुटेरी बाइक और रिक्शा लेकर मौके धीरज सोसाइटी वेस्ट बस स्टॉप के जंगल के पास मैदान में आए, उस वक्त आपस में हथियार को बांटने लगे। पुलिस ने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा, जिनमें टोटल 6 लोग आए थे, लेकिन जैसे ही पुलिस उन पर लपकने की कोशिश की वह 3 लोग वहां से भागने में कामयाब हो गए, जबकि 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिनके पास से 2 चॉपर, 2 कटौनी, 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, मिर्ची पाउडर, रस्सी बरामद कर ली गई है। पकड़े गए आरोपियों में जहरुद्दीन जाकिर हुसैन 27 वर्षीय पर 31 मामले दर्ज हैं, रोहित नितेश कसारे 24 वर्षीय 25 केस दर्ज हैं, अक्षय परशुराम कोटेकर 27 वर्षीय 12 केस हैं। सभी गोरेगांव पूर्व संतोष नगर इलाके के रहने वाले हैं। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। ओम सत्यम सुपर मार्केट, यहाँ पर रात के टाइम 16 तारीख को रात के टाइम पे कुछ लोग वहाँ पे सत्यम शॉपिंग सेंटर के यहाँ पे लूटमार करने के लिए आने वाले हैं, ऐसा एक अपने इंफॉर्मेशन मिला है। इस इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में उसके लिए वो वहाँ पे अपने सुपीरियर जो ऑफिसर्स हैं, अपने वरिष्ठ अधिकारी, उनको ये बात बताया और उनके मार्गदर्शन में हमने वहाँ पे अपने डिटेक्शन ऑफिसर एपीआई घारगे, डॉक्टर घारगे, पीएसआई कनेरकर और एपीआई दराड़ी और उनके पूरे डिटेक्शन की टीम, ये हमने पूरे वहाँ पे तैनात की और उनको या इस जगह पे ये आरोपी आने वाले उन वो आरोपी उनको आरोपी को पकड़ने के लिए प्लान बनाया और वहाँ पे रेड किया। उस जगह पे रेड करने के टाइम पे अपने एक ऑटो रिक्शा और एक मोटरसाइकिल पे 6 लोग वहाँ पे ये सत्यम शॉपिंग सेंटर लूटने के लिए आने वाले जो थे उनको उन्होंने ताबे में लिया। उसमें से 3 जन मिले और ऑटो रिक्शा में 3 जन भाग गए। जो मोटरसाइकिल पे जो है वो चोरी का और 2 मोबाइल उनके पास से ताबे में लिया है और उनको अंडर सेक्शन 32/22 कलम 399-402 IPC और आर्म एक्ट के तहत उनको अरेस्ट किया है। सर, जो आरोपी पकड़े गए हैं क्या उनके ऊपर पहले भी इस तरह का कोई गुनाह दर्ज है? जी हाँ, वो सब रिकॉर्ड वाले आरोपी हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे गुनाह दाखिल हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे